से, कैसे देखते हैं वन डाउन पोजीशन पर उसको लाकर खिलाना दुरुस्त समझ रहे हैं आप? देखिए मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, पहली बात है फखर भाई है, लेकिन जो उसके नंबर्स हैं वो खुद भी उसको उससे हैप्पी नहीं होगा, ठीक है। हम सब खुद को, हमें खुद भी पता होता है, अगर आपने तो 15 मैच दिखाए हैं, आखिरी 37 इनिंग में इनके 350 हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इनिंग्स है। और उसमें भी जो है जो ऑपोजिशन है वो भी आप उनकी देख लें कि इन ऑपोजिशन के खिलाफ वो 350 है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वर्ल्ड कप जैसी बड़ी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी उनके 37 मैचेस में इन 350 है और वो वन डाउन खेलते रहे हैं, तो ऑलरेडी जब वो सेटल नहीं है वहाँ पे, तो आप उनको फिर वहीं पे क्यों ला रहे हैं? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि या तो हो ना वो कहें हाँ प्रिपेयर है और उनके रिकॉर्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ यार इज डूइंग वंडरफुली वेल, टीम को एक सहारा दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं या कुछ ना कुछ वैल्यू एड कर रहे हैं, तो ऐसा वो नंबर 3 पे कर नहीं पाए। मैं ये बोलता हूँ आपको, एक और चीज बोलना चाहता हूँ मैं, एक होता है कि आप ग्राउंड में गए हैं, टूर पे गए हैं, टूर पे सडन फैसला हो गया, मैं आपको कहता हूँ इकबाल भाई आप ओपनर हैं प्लीज टीम के लिए आप वन डाउन आ जाए, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब 2 सालों से आपको बताया गया हो कि यही आपकी पोजीशन है, यही आपका नंबर है, यहीं पे आपने खेलना है, आप अपनी प्रैक्टिसेस भी उस तरह कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक भी उस तरह खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम में भी उस तरह खेल रहे हैं, जब 2 साल से आप कैरी कर रहे हो और उस नंबर पे 37 इनिंग्स आप खेल चुके हैं और वो आपकी परफॉर्मेंसेस जस्टिफाई नहीं आ रही की बुनियाद पर उन्हें सेलेक्ट किया गया। मैं आपको ये बोलता हूँ कि देखे बिल्कुल बैट्समैन को चांस देने चाहिए खुल के, लेकिन 20 से 25 मैच बहुत होते